नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा था कि सॉइल कंस्ट्रक्शन में जब आप रोलिंग और कॉम्पैक्शन करते हैं, तो रोलिंग और कॉम्पैक्शन के लिए जो आपके रोलर्स के नंबर ऑफ पासेस होते हैं, वो नंबर ऑफ पासेस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे और उसके लिए आप किस फार्मूले का यूज करेंगे या किस स्पेसिफिकेशन का यूज करेंगे, तो उनका ये सवाल था। तो उसके ही जवाब में मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये मैंने SP97 2013 के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है फ्रेंड। इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मेरा फार्मूला है FDD। यहाँ पर जो आपको फील्ड में जो ड्राई डेंसिटी चाहिए वो आपकी FDD हो जाएगी। और इसके लिए फार्मूला है 1.065 प्लस 0.033 कोष्टक में मॉइस्चर कंटेंट प्लस 0.085, और ये मेरा NP है, नंबर ऑफ पासेस जो कि आपको निकालना है। ओके, तो इस फार्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ पासेस रोलर के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये लेकिन ये जो फार्मूला है, इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको अप्लाई करनी होगी। तो ये टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो आपकी मैक्सिमम लेयर थिकनेस होगी वो 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपका जो रोलर रहेगा वो 8 से 10 टन का बायबिलिटी रोलर होना चाहिए। ओके, और स्पीड रहेगी इसके लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको रोलिंग करना है, तभी ये जो फार्मूला है आपका नियर बाय एजम्पशन दे पाएगा। आपको एग्जैक्ट एजम्पशन नहीं दे पाएगा, नियर बाय एजम्पशन दे पाएगा, ठीक है। और एक बात तो आप अंडरस्टूड है ही कि जो आप कॉम्पैक्शन करेंगे तो वो आपको OMC पर ही करना होगा। चलिए, अब इसके लिए आगे हम देखते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो रिक्वायर्ड FDD है वो 1.90 ग्राम पर CC है और OMC है आपकी 12%। तो इसके लिए नंबर ऑफ पासेस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ पासेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला मैंने बता ही दिया था। इस फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है। ओके, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। FDD आपको चाहिए 1.90, आपकी OMC है 12%, तो उसको आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। और फिर इस सारे डेरिवेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या होगा हमारा, ये 1.065 एजिटेज आ जाएगा। अब 0.033 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और 0.08 फिर कोष्टक में नंबर ऑफ पासेस ये आ जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे आप, जो आपकी 0.084 ये वाली वैल्यू, इसको आप इस जुगल 2 के राइट साइड ही रहने दीजिए, और आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आप ले जाइए अगली तरफ, तो ये हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। ओके, माइनस की होने के बाद इसको आप 1.90 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी 0.084 है इसको इसी तरह बने दीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पासेस आपके हो जाएंगे जो 0.406 है, वो आपके ये वाले जो वैल्यू रहेगी इसका सॉल्यूशन रहेगा 0.406। ओके, और 0.084 मेरा रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो 0.406 डिवाइड कर दूंगा मैं 0.084, तो मेरे नंबर ऑफ पासेस आ जाएंगे 4.83 पास आपके रोलर से आपको देना होंगे, जबकि आपकी OMC रहेगी 12% और आपकी ड्राई डेंसिटी रहेगी 1.90। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी फील्ड पर या किसी भी लेयर कॉम्पैक्शन कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको ट्रायल पेज बना लेना चाहिए जो कि 100 मीटर से लेकर 150 मीटर की लेंथ तक का हो सकता है, और उस पर आपको पहले कॉम्पैक्शन करके देख लेना चाहिए कि जो आपका कॉम्पैक्शन है वो अचीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलता हूँ आपसे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, और मेरे चैनल को यूँ ही प्यार देते रहिएगा, और मेरे अगले वीडियो को भी देखने के लिए मैं जल्दी आपको डालूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।